अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आप सबकी दुआओं के साथ अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बहुत अच्छे हैं। तो आज कुछ ना मैं सोच रही थी कि अपना स्किन केयर करूँ, तो स्किन केयर कर रही थी तो मैं ना एक पैक की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, तो मैं वो हमेशा बना के अपने घर पर रखती हूँ। उससे ना मुझे पहले एक्ने की बहुत शिकायत थी, तो स्पॉट्स पे मेरे चेहरे पे काफ़ी ज़्यादा था, वो बहुत ही भद्दा दिखता था। तो मैं सोचती थी कि कुछ ऐसा रेमेडी मिल जाए जो मेरे स्पॉट्स को क्लियर करे, मेरे स्किन को अच्छा करे, प्लस एक्सफोलिएशन का काम करे और मेरी स्किन को ग्लो करे। तो मैं ना काफ़ी रिसर्च किया अपनी स्किन पर। मेरा स्किन जैसे कि पता है आप लोगों को नॉर्मल है, मैं हमेशा यही वाला पैक यूज़ करती हूँ और मुझे अभी तक काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला है। तो मैं सोच रही थी कि आज बना ही रही हूँ तो आप सबके साथ हर बात तो शेयर करती ही हूँ, क्यों ना ये भी कर लूँ। आइए चलिए वीडियो में देखते हैं। अच्छा जी, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है, स्पेशली फॉर द लेडीज़ जो बैचलर हैं, अभी शादी करने वाले हैं या शादी हो गई है, बच्चे हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ काफ़ी हैं, वो अपना स्किन केयर नहीं करते, वो अपना केयर ही नहीं करते। जब वो दूसरों की केयर के बारे आती है ना, वो हमेशा खड़े होते हैं कि मुझे उनके लिए सबसे बेस्ट होना है, पर अपने लिए क्या, अपने लिए बिल्कुल कुछ नहीं करते। अपने लिए भी टाइम निकालो यार, अपने अपना भी सेल्फ केयर करो, अपने आप को भी ऐसा टाइम दो कि जैसे आप दूसरों का केयर करते हो, खुद का केयर करना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप अच्छे हैं आपकी फैमिली भी अच्छी होगी। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं बताती हूँ, मैं ये पैक है ना हमेशा बनाती हूँ। तो जी इसका हम 2 टेबल स्पून ले लेंगे। अच्छा जी, इसमें क्या कुछ है मैं आपको पहले बता दूँ। इसमें है चावल का आटा, चावल का आटा नॉर्मल जो हम घर पर चावल यूज़ करते हैं ये वही है। चावल ले लें आप, उसको सिंपली ग्राइंड कर लेना है। आपने ग्राइंड कर लिया, उसको थोड़ा सा ना ऐसे दरदरा रखिएगा, आपको दिख रहा होगा मैंने कितना दरदरा रखा है। तो ये अगर आप दरदरा रखोगे ना, तो आप लास्ट में जब ये फेस वॉश करते रहोगे, आप इसको एक्सफोलिएट करने भी काम कर सकते हो। इसमें है मसूर की दाल, उसको भी मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया। मैंने डाला है हल्दी, कॉफ़ी एंड बेसन। ये 5 चीज़ें अगर आप डालोगे ना, ये 5 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको आप चाहे तो आप टमाटर, अगर आपको टैन है तो आप टमाटर जूस के साथ यूज़ कर सकते हो। अगर आपका स्किन ड्राई है तो आप उसको मलाई के साथ यूज़ कर सकते हो। अगर आपका स्किन एकदम नॉर्मल है तो आप दूध के साथ भी यूज़ कर सकते हो। मैं इसको प्रिफर करती हूँ मैं दही के साथ लगाऊँ, तो मैं इसके साथ दही यूज़ करने वाली हूँ। ये देख रहे हैं, मैं ये होम मेड दही ले रही हूँ। इसमें ऐड करके सिंपली इसको एक फेस पैक की तरह बना लेंगे। अच्छे से इसको पहले आप मिक्स कर लीजिए। आप चाहे तो इसमें हनी भी ऐड कर सकते हो, चाहे तो रोज़ वाटर भी ऐड कर सकते हो। अच्छा जी, अब इसमें मैं थोड़ा सा ना रोज़ वाटर ऐड करूँगी, बस बहुत थोड़ा सा डालना है। ये देख रहे हैं डाल दिया मैंने रोज़ वाटर। अब हम इसको और अच्छे से मिक्स कर लेंगे, एक पेस्ट के फॉर्म में रेडी कर लेना है हमने। आपको दिख रहा है, इस फॉर्म में रखना है आपको, बहुत ज़्यादा गाढ़ा ना बहुत ज़्यादा पतला, ठीक है। अब इसको, अच्छा जी, अभी इस पेस्ट को ना मैं क्या करूँगी, डायरेक्टली अपना फेस पे यूज करूँगी। इस पेस्ट से ना मैंने अपनी स्किन में बहुत ड्रास्टिक चेंज देखा है, बहुत ज़्यादा। तो मैं होप करती हूँ ये सब आपको भी सूट करता है। मुझे जो चीज़ कंफर्टेबल लगती है, मैं बहुत नाइस ओपन हूँ यार। मैं ऐसा नहीं है शो मारने के लिए आपको ब्रश लगा कर दिखाऊंगी, नहीं, मैं जो हूँ सो हूँ, ठीक है। मैंने काफी एक साथ यूज कर लिया है, इसका रिजल्ट मुझे काफी अच्छे मिले हैं। इसको अपने लगा के बस 20 मिनट छोड़ना है, एकदम ड्राई नहीं करना है। 20 मिनट मोर देन इनफ है, कोई सभी। तो डन, मैंने ये लगा लिया। अब इसको 20 मिनट में अपने फेस पर ऐसे ही रहने दूंगी। अच्छा जी, इस पैक को ना हमें हफ्ते में 2 बार ही लगाना है। अच्छा, जैसे कि आप देख रहे हो फेस पैक मैंने अभी फेस पर लगाया हुआ है, उसी के साथ मैं अपने घर का बाकी काम भी कर ले रही हूँ। छोटे मोटे जो काम होते हैं ना घर के, वो कभी ख़त्म ही नहीं होते। तो मैंने ये सोफ़ा कवर वॉश करवा दिया था, तो वो लगाना था, तो फेस पैक लगा के मैं वही कर रही थी। छोटे मोटे काम जो पेंडिंग होते हैं ना कर लेती हूँ मैं जब टाइम मिलता है। अब क्या करना है, अब हमें थोड़ा सा पानी लेना है, हल्का सा बस पैट ड्राई करना है, ठीक है।
जो बचा हुआ फेस पैक है उसे सर्कुलर मोशन में अच्छे से मसाज देना है। और ये जो चावल के दरदरे आटा मैंने आपसे कहा था ना कि दरदरा रखना है, वो बहुत अच्छा एक्सफोलिएट करेगा आपके स्किन को। तो अच्छे से बहुत अच्छे से सर्कुलर मसाज दे। और जहां पर आपको ज्यादा ना डार्क एरिया, जैसे फॉर एग्जाम्पल बहुतों को लिप्स के पास होती है, बहुतों को नोज के पास होती है, वहां पे थोड़ा एक्स्ट्रा फोकस करें और उसको ऐसे से मसाज करते रहें। अब हम इसको वॉश कर लेंगे नॉर्मल पानी से। मैं वॉश कर रही हूँ नॉर्मल पानी से। कर लेंगे इसको पैड ड्राई। जी तो मैंने पैड ड्राई कर लिया है। आपको मेरा फेस का क्लोज लुक दिखा दूं कितना क्लियर लग रहा है। आप भी यूज करिए इंशाल्लाह, होप करती हूँ आपको भी अच्छा लगेगा। इसके बाद हमने करना है लास्ट स्टेप मॉइस्चराइजर। फेस वॉश कर लिया है बहुत अच्छे से। अब इसमें लगाएंगे हम थोड़ा सा मॉइस्चराइजर। मॉइस्चराइजर अगेन मैं आपको कहूँगी आप अपना कोई सा चॉइस का ले सकते हैं। मेरा तो फेवरेट वही है, बहुत पहले मैं वीडियोस में बता चुकी हूँ, तो मैं उसको लगाऊंगी बहुत अच्छे से। मॉइस्चराइज करना ना फेस को बहुत इम्पोर्टेंट है, पता नहीं लोग उसको क्यों हल्के में लेते हैं। चलो कोई नहीं, तो होप करती हूँ आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और नेक्स्ट वीडियो क्या देखना चाहते हैं आप कॉमेंट में ज़रूर लिखिएगा, मैं कोशिश करूँगी कि मैं बनाऊँ वो वीडियो आप लोगों के लिए। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिए।